राजस्थान में 199 सीटों पर शनिवार को हो रही वोटिंग में लोकतंत्र के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लंबे और थका देने वाले चुनाव प्रचार के बाद नेता मंदिरों में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद मांगते नजर आए। वहीं दूसरी ओर वोटिंग के लिए उत्साहित मतदाता सज धज कर पोलिंग बूथ पर पहुंचे। राज परिवार के सदस्य भी वोटिंग के लिए कतार में खड़े दिखे। कुछ बूथों पर वृक्षारोपण जैसे सामाजिक जागरूकता के संदेश भी नजर आए। शनिवार को वोटिंग से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ स्थित राड़ी की पालजी मंदिर पहुंची। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट भी मतदान शुरू होने से पहले जयपुर के बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर से बाहर निकलकर पायलट ने कहा कि उन्होंने भगवान का आशीर्वाद ले लिया है और उन्हें प्रदेश की जनता पर पूरा भरोसा है। वोटिंग के लिए मतदाताओं का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। सुबह मतदान शुरू होते ही कई पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगने लगीं। करौली विधानसभा में एक दिव्यांग वोटर को सुरक्षा कर्मियों ने बूथ तक पहुंचाने में मदद की। उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। लक्षराज सिंह मेवाड़ अपने महल के पास जगदीश चौक स्कूल पर बने मतदान केंद्र पर पहुंचे और लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत की। एक रोचक नजारा ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर में सामने आया, जहां संस्कृति प्रचारक अशोक टांक सजे धजे ऊंट पर सवार होकर मतदान करते नजर आए। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। मतदान को महाउत्सव है, आप सब मिलजुल अपना सब माता पिता ने भाई बहन ने सब ने ले राजो आपनो मतदान दीजो। मतदान देवो बहुत जरूरी है, सब ने आपनो वोट जरूर जरूर दीजो। आपने सब ने हाथ जोड़ विनती है कि आपनो वोट देवा से मत चूकजो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पुष्कर राज की। करौली जिले के सपोटरा विधानसभा में हर बूथ पर वृक्षारोपण के लिए जागरूक करने के संदेश लिखे गए हैं। लोकतंत्र के इन अलग अलग रंगों के बीच अच्छी बात यह है कि लोग उत्साह से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब देखना यह है कि 3 दिसंबर को किस पार्टी के दफ्तर में होली के रंग नजर आएंगे और कहां अमावस्या की रात का अंधेरा होगा। चुनाव आज तक।